अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये वीडियो मैंने आपको अलर्ट करने के लिए बनाई है। जब से ध्रुव राठी ने बीजेपी और मोदी के खिलाफ वीडियो बनाई है, तब से ध्रुव राठी के साथ एक फेक मैसेज व्हाट्सएप पे फैलाया जा रहा है। ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ये घटिया दिमाग चलाया है, और तो और उनकी पत्नी जूली को भी बदनाम कर रहे हैं। ध्रुव राठी को जो अपना काम करना है वो तो करेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये अंधभक्त शांत नहीं बैठेंगे। झूठी खबरें बनाकर फैलाएंगे, लेकिन आपको इन फेक मैसेजेस को इग्नोर करना है। ध्रुव राठी के बारे में फेक मैसेजेस क्या है हम आपको बताएंगे। इस मैसेज को पत्रकार रवि कुमार ने शेयर किया है, जिसमें ध्रुव राठी और उनकी पत्नी के बारे में बिल्कुल झूठी न्यूज फैलाई गई है। इस झूठे न्यूज में दोनों को मुस्लिम बताया गया है, जिसमें ध्रुव राठी का नाम बदरुद्दीन राशिद है और उनकी पत्नी जूली का नाम जुलेखा है। मतलब कि इन अंधभक्तों ने झूठ की सारी सीमा पार कर दी। ध्रुव राठी को लेकर ये मैसेज है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल किया जा रहा है। दोस्तों, इस मैसेज के ऊपर लिखा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, यानी कि व्हाट्सएप में अगर एक मैसेज आप कई बार कई लोगों को फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें ऊपर लिखा आ जाता है कि कई बार फॉरवर्ड हुआ है। तो सोचिए कितनी बार ये फॉरवर्ड हुआ होगा कि ऊपर से लिखा हुआ है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। इस मैसेज में जो बातें ध्रुव राठी को लेकर लिखी गई हैं, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ध्रुव राठी को लेकर किसके पेट में दर्द हो रहा है, इतना कि उनकी और उनकी पत्नी को लेकर इस तरह की बातें लिखी गई है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे झूठे व्हाट्सएप वायरल मैसेज पर पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कहा शेयर करते हैं, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ध्रुव राठी और उनकी पत्नी को लेकर कितनी घटिया और दोयम दर्जे की बातें लिखी गई है, पहले देखिए। ब्रेकिंग ट्रूथ अबाउट ध्रुव राठी, जो कि एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस और एंटी सनातन का एक तरह से जिन्होंने बीड़ा उठाया है, जो उसके खिलाफ एक तरह से खबरें चलाते हैं, वीडियोस चलाते हैं, और उनको लेकर ये मैसेज बताने के लिए है कि ये तो हिंदू है ही नहीं। मतलब ध्रुव राठी को इस मैसेज में बताया गया है कि ये एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी सनातन एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि ये हिंदू नहीं है। अब इनका नया नाम रखा गया है, रियल नेम, ये व्हाट्सएप मैसेज बता रहा है कि ध्रुव राठी का रियल नेम जानते हैं क्या है, बदरू राशिद। और उसके अलावा बदरू राशिद भी इनका प्यार का नाम है, जो पूरा नाम है बदरुद्दीन राशिद लाहौरी। ये बता रहा है ये मैसेज ध्रुव राठी को लेकर, बता रहा है ये मैसेज कि ध्रुव राठी का जो जन्म हुआ है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ है, और इनकी जो पत्नी है वो क्रिश्चियन बताई गई है, उनका नाम जूली है, लेकिन एक्चुअली में वो भी पाकिस्तानी है, और जो इनकी पत्नी है ध्रुव राठी की, वो असली नाम उनका है जुलेखा। ये बता रहा है ये मैसेज, और इनके जो माता पिता हैं जुलेखा के, जो कि ध्रुव राठी की पत्नी है इस मैसेज के अकॉर्डिंग, ये इनके माँ बाप का भी मुस्लिम नाम ही है। दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम की दुनिया में कहीं रहते हैं ध्रुव राठी इस मैसेज के हिसाब से। और दाऊद इब्राहिम ने अपने आलीशान बंगले में कराची में उनको वाई और जेड प्लस सिक्योरिटी में रखा हुआ है, और आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें ये जेड प्लस और वाई प्लस सिक्योरिटी दी हुई है। नीचे लंबा मैसेज है काफी, देखिए, लेकिन ये जो मेन हिस्सा है वो इस मैसेज का ये है। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से ध्रुव राठी की झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, झूठ तो हमेशा झूठी रहेगा और सांच को कभी आंच नहीं आती, और ये चाहे जो भी कर ले, ये अपने गलत इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये ध्रुव राठी का कुछ बिगाड़ने की तो दूर की बात, उसे छू भी नहीं सकते, ये दूर से ही ऐसी झूठी खबरें बनाकर फैलाएंगे, हद हो गई। मुझे तो हंसी आती है कि उन्होंने ध्रुव राठी को पाकिस्तान का बता दिया और इसकी बीवी को भी पाकिस्तान का बता दिया, मतलब इनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या कीड़ा चलता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सारे लोगों को पहुंचे और सच्चाई सबके सामने आ जाए कि ये अंधभक्त क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो बाकी और लोगों को भी अलर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।